नमस्कार, मैं हूँ शिखा श्रेय और आप देख रहे हैं जीएन भारत। हम मौजूद हैं कांके के कमरे प्रखंड में, जहाँ पे आज 27 तारीख है और पंचायत चुनाव का वोटिंग चल रही है। अभी तो ईडी, सीबीआई और न जाने कितने एजेंसीज झारखंड पे नज़र बना के रखे हुए हैं। पूजा सिंघल, बंधु तिर्की, ये सारे बहुत ही गर्मा गर्म झारखंड में मुद्दे जो हर दिन लोगों को इंटरटेन करने के लिए काफ़ी नहीं है। लेकिन अब जो है, आज 27 तारीख है, पंचायत चुनाव जो अभी का आज का सबसे हॉट टॉपिक होगा और आज आखिरी मतदान है, तो हम केंद्र में पहुंचे हुए हैं कांके प्रखंड के कमरे के प्रखंड में, जहां पर आज आखिरी मतदान हो रहा है। भारी लोगों में, जैसा आप देख सकते हैं कि महिलाएं और पुरुष दोनों मौजूद हैं। इसके साथ ही हम कुछ लोगों से बात करके जानने की कोशिश करेंगे, और साथ ही यहाँ सुरक्षाकर्मी भी है, पुलिस भी तैनात है, उनसे पूछेंगे यहाँ का चाक चौबंद कैसा है, क्या माहौल है। पूरी चौक चौकबंदी है, पूरी अच्छी व्यवस्था है, प्रशासन अपने तौर पे पूरी अच्छी तरह से मुस्तैद है। और वोटिंग के लिए तो लाइन में लोग 5:30 बजे सुबह से ही लग गए थे। सभी लोग जागरूक है, इच्छुक है अपने अपने प्रत्याशी को जितवाने के लिए। एक बात बताइए, कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो वोट जो खड़े हैं मुख्य प्रत्याशी, वो खुद आते हैं, हमने बाहर भी देखा वो है, और लोगों से पूछते हैं आपने किसको वोट डाला, जो जाते हैं उसको भी कहते हैं तुम इसको डाला। नहीं, 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 ये चीज़ें लेकिन होती है। नहीं नहीं, ऐसे हम लोग अभी 100 मीटर के दायरे में किसी को ऐसा प्रत्याशी जो है उनको पूछ के बिल्कुल कि आप क्या है, प्रत्याशी हैं तो नहीं तो चलिए अंदर आइए, नहीं तो अपना वोटिंग करिए और सीधे निकलिए। हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई भी प्रत्याशी आके बूथ मतदान केंद्र पे जो अपना वो करे कि मेरे को वोट दीजिए या किसको दिए ये जानो, नहीं नहीं, ये अलाउ हम लोग नहीं किए हैं, और ना पहले से भी ऐसा ही होता आ रहा है, और ये जेन्युइन भी लीगली भी राइट नहीं है। बिल्कुल, बताइए, आपने कहा लीगली राइट नहीं है, वो तो ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा महिलाओं के लिए यहाँ पे शौचालय और पानी की व्यवस्था है बेसिक? जी, महिलाओं के लिए है शौचालय और पानी तो रखा हुआ है बाल्टी में, जो नॉर्मली मतलब पंचायत, हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल, पंचायत स्तर से जो व्यवस्थाएं होती है वो है। एक बात बताइए, जब ऐसा कुछ चुनाव होता है तो आप पुलिस वालों के लिए पर्सनली क्या चुनौती रहती है? देखिए, पुलिस वाले के लिए तो हर काम ही संघर्ष का है। 24 आवर ड्यूटी में रहते हैं हम लोग, और ड्यूटी में मतलब सभी लोग अपने अपने परिवार से दूर रह के ही, अब कौन जानता है कल मिले ना मिले, तो बात तो अब बोलने की क्या बात है, इसमें आप लोग समझ ही रहे हो। लेकिन पुलिस वाले के लिए हर ड्यूटी ही चुनौतीपूर्ण होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि इन्होंने साफ तौर पर कहा कि पुलिस वाले के लिए ये भी नहीं पता होता कि कल का सूरज वो देखेंगे कि नहीं, लेकिन फिर ही पूरे लगन के साथ 24 घंटे अपने ड्यूटी में मुस्तैद रहते हैं, ताकि हम जैसे लोग अपने घरों में सुरक्षित सो सके। हम और भी कई लोगों से, महिलाएं आप देख सकते हैं, खासकर कितनी महिलाएं आई है, महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा दिख रही है, और ये बहुत अच्छी बात है। आप कुछ कहना चाहेंगे मैम? क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, जो बोलिए, आप यहाँ पे वोट देने आई है तो बोलना तो पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है आज का वोटिंग पे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, ठीक है ना कहेंगे कि जो बड़ा खुश नजर आ रही है, आप देख रहे हैं इनके चेहरे की जो स्माइल है, मैं इधर खुश क्यों है? हाँ तो वोट देने आए हैं तो खुश नहीं रहेंगे। अच्छा, तो इसीलिए खुश, मतलब वोटिंग पे इतना खुश? हाँ हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप किसको, देखिए ये तो आपका पर्सनल बात है कि आप किसको वोट देगी, हमारा पूछना राइट नहीं है, लेकिन आपको क्या लग रहा है ये वोटिंग के बाद आपका जो कमरे प्रखंड है उसका कुछ सुधरेगा स्थिति? देखिए, आप सुधारने वाला रहेगा तो सुधरबे करेगा, है हम लोग को जो देना है तो हम लोग देवे करेंगे जी। देखिए, आपने कहा आप तो दे रहे हैं, आप जिसको देंगे अगर वो नहीं सुधारेगा तो उसको पकड़ेंगे फिर आप? हाँ, कैसे नहीं पकड़ेंगे, कहे नहीं पकड़ेंगे उसको, हम दिए आपने किए कहा नहीं पकड़ेंगे उसको, एकदम पकड़ना, हाँ एकदम पकड़ेंगे। लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हो रहा था, नहीं पकड़े, बहुत काम अधूरा रह गया आपके प्रखंड में, हमने घूम के देखा है। अधूरा तो है, मकीला अगर हो सकता है अगर सुधरे, अब सुधरे कपड़े, हाँ सुधारना पड़ेगा, हाँ पड़ेगा, महिलाएं बाहर निकल चुकी हैं। हाँ हाँ हाँ। और महिलाओं को क्या कहेंगे, बहुत सारी महिलाएं जो है वो घर से बाहर नहीं निकलती है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस उम्र में, आप बहुत उमंग के साथ आई है तो? हाँ, तो हम क्या कहेंगे भाई, देना तो जरूर है सबको, सबको है ना। हाँ ओके, यहाँ पे कुछ यंग महिलाएं भी है मैडम, कुछ आज के वोटिंग के बारे में क्या कहेंगे? वोटिंग का बहुत बड़ा राइट है, लेकिन आज भी कई ऐसी महिलाएं हैं जो घर से बाहर निकल के वोटिंग नहीं करती, क्या कहेंगे उनके? करना तो राइट बनता है, सबका अपना अपना अधिकार है, पर बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं उस चीज़ को। okay. एक बात बताइए, आज आप वोटिंग दे रहे हैं, अपना अधिकार का, अपना काम को त्याग करके आप यहाँ पे वोटिंग दे रहे हैं, हाँ, क्या उम्मीद लग रहा है? अगर हालात नहीं सुधरेगा तो फिर क्या करेंगे आप लोग? सब मिलकर जाएंगे उनसे पूछेंगे जिनको वोट? हाँ जाएंगे, जरूर बोलेंगे, हम लोग अपना काम छोड़ के सारे लोग अभी यहाँ पे कीमती अपना समय निकाल के आए हैं देने के लिए कि वो कुछ हमारा करे गांव के लिए। ड्यूटी छोड़ के आए हैं? क्या क्या ड्यूटी छोड़ के आए? हाँ ये बोल रहे हैं। अच्छा, आपकी ड्यूटी छोड़ के? हाँ, हेल्थ डिपार्टमेंट पे। ओके, आप ड्यूटी छोड़ के? हाँ, वोट देने के लिए, वोटिंग के लिए ही स्पेशली आए हैं। ओके, तो एक बात बताइए, लोकतंत्र का कहते हैं सबसे बड़ा त्यौहार है ये वोटिंग जो है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है, आपको लगता है ये त्यौहार भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे बिक रहा है?
वैसा तो नहीं है, वैसे अगर देखा जाए बिक रहे तो सिर्फ वोटिंग ही नहीं, हर कुछ बिक रहा है अगर उस मायने में देखा जाए तो। वैसा नहीं है। अन्य महिलाओं को क्या आप संदेश देना चाहेंगी, चूँकि आप खुद वर्कर है, बाहर निकल के काम करती है, क्या कहना चाहेंगे इसी तरह? हम यही कहना चाहेंगे बाकी महिलाओं को कि अपने जिम्मेवारी को समझें। बाकी मतलब हर लोग तो वोटिंग करने से कोई चुनाव होने के बाद में कोई खरा नहीं उतरता है, लेकिन फिर भी जितना जो हो सके करता है वो मतलब बाकी देना चाहिए अपना। बहुत अच्छी बात है, इन्होंने कहा है कि बहुत अच्छा लगा देखकर यहाँ पे कि महिलाएं जो है हेल्थ डिपार्टमेंट में कोई काम करती, कोई घर की गृहिणी है, अपना काम छोड़कर सबसे पहले सुबह में ये वोटिंग देने आई है। इसे समझ में आता है कि वोटिंग लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार कहा जाता है, और इस त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे हर वर्ग के लोग आए हुए। मैं अपने कैमरामैन को चाहूँगी थोड़ा सा नज़दीक आए, सामने का थोड़ा और दृश्य दिखाए कि लोग जो है बहुत उत्साहित। हम कुछ और लोगों से बात करना चाहेंगे यहाँ पर। जी ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार होता है, ये जो वोटिंग है इसको आप किस तरीके से लेते हैं? सुबह सुबह आप निकले, क्या संदेश दे रहे हैं? गांव के सरकार बनाने के लिए आए हैं। जी गांव के सरकार के पास, गांव के सरकार के पास जो फंड होगा, अलॉटमेंट होगा, उसी के अनुरूप ना काम करेगा। कई बार फंड तो करप्ट भी हो जाता है। करप्ट तो हो ही जाता है। यहाँ के लोग, आपको लगता है आप लोगों को रेगुलर मिलकर उसको स्क्रूटनी करना चाहिए? यहाँ मुखिया के पास पड़ोसी राज्य से मैंने ना के बराबर फंड है, तो उसी अनुरूप में विकास के भी अपेक्षा हम लोग करते हैं। जी जी। इस चुनाव से क्या उम्मीद रख रहे हैं? आने वाला भविष्य ठीक होगा, इसलिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कि जो जीते ईमानदार, जनता जाग चुकी है, ईमानदारी से अपना काम करें और ईमानदारी से काम करेंगे तो फिर आएंगे। एकदम एकदम बिल्कुल। तो आपने जैसा देखा, इन्होंने साफ कहा जनता का पूरा मत है कि 5 साल ईमानदारी से काम करो, वरना 5 साल बाद हटाते हुए देर नहीं लगेगी। इसके साथ ही बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए। पुलिस से भी हमने बात की, सुरक्षा चाक चौबंद है, व्यवस्था बहुत अच्छी है, महिलाओं के लिए वॉशरूम, हर चीज़ की सुविधा है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि पंचायत चुनाव में कौन जीतता है, और जीतने के बाद इतने वादे जो ये लोग करते हैं, लंबी चौड़ी जो लिस्ट होती है, वो वादे कितना धरताल पर उतारती है। और हम इसका ग्राउंड रिपोर्टिंग करके जीवन भारत में आपको ज़रूर दिखाएंगे ऐसी तमाम खबरों के लिए। और खासकर आप हमारे नेक्स्ट रिपोर्ट बंधु तिर्की पे जो सीबीआई का रेट पड़ा है, उस पे नेक्स्ट रिपोर्ट देखना ना भूले। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।